हे hey दोस्तों, अभी मैं हूँ अभियापुरी बोंगाईगांव के एक शहर पे भाई या फिर एक बड़ा टाउन पे। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं ढेगेजिली। ढेगेजिली पहुँचने से पहले सबसे पहले मैं बोरपेटा जाने वाला हूँ, इसके बाद नौलबारी, रंगिया, बायहाटा, मंगलदई, इसके बाद फिर हम लोग पहुँचने वाले हैं ढेगेजिली। ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड यार बहुत ही समय लगने वाला है ढेगेजिली पहुँचते। अभी हम लोग है धर्मनगर टाउन पे, इसे कहते हैं धर्मनगर टाउन बोंगाईगांव। बोरपेटा टाउन यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है दोस्तों। एक डाइवर्जन है बट लोकेशन मस्त दिखाई दे रहा है ना। मैं एक जगह रुक जाता हूँ, माँ को फोन कर लेता। अभी मम्मी का फोन आया गाइस, देखिए। अभी हम लोग हाईवे छोड़कर थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ते के अंदर घुस गए हैं। गूगल मैप में ये दिखा रहा था कि ये वाला रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है। अभी थोड़े सफ़र करने के बाद फिलहाल हमें हाईवे मिलने ही वाला है, दोबारा हमें हाईवे से ही जाना होगा। बट ये वाला रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा था तो हम लोग ने ये वाला रास्ता चूज़ किया। कसम से बोल रहा हूँ, गूगल मैप एकदम सही दिखा रहा था, हाईवे से जाने के लिए बोल रहा था गूगल मैप ने, लेकिन हम दोनों ज़्यादा स्मार्ट गिरी मार गए, अंदर वाला रास्ते से जाने का कोशिश किया एंड अभी भुगतना पड़ रहा है। 10 मिनट जल्दी पहुंचने के चक्कर में 20 मिनट अभी हम लोग लेट हो जाएंगे। कहाँ पे पहुंच गया भाई? सीधा जाऊंगा तो बोरपेटा रोड मिलेगा। बोंगाईगांव 55, मानस नेशनल पार्क 28, रंगिया 76। दोस्तों आते आते हम लोग कौन से वाले इलाके पे पहुंच गए आई डोंट नो। टाइम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 5 बजने वाला है, 4:53 हुआ है एंड अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। बहुत ही जोरों की भूख लगी है, सीधा खाना ही खाएंगे भाई। ऑनलाइन होगा ना, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा ना। पानी की बोतल कहाँ से ले लूँ? मुझे पहले मुँह धोना है, बोतल मतलब वॉश करना। अच्छा ठीक है, ये वाला बेरेंची मेरे लिए एकदम सही, ये वाला टेबल मेरे लिए एकदम सही रहेगा बिकॉज यहाँ से देखे एकदम मतलब सनसेट अच्छा दिखाई दे रहा है ना, तो मुझे लगा कि ये वाला लोकेशन बेस्ट रहेगा। वो वाला पीछे वाला जगह एकदम मतलब अंधेरा है, वहाँ पे नहीं बैठेंगे, वहाँ पे लाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा भाई। लाइट है कि नहीं? मुझे तो मुँह धोना पड़ेगा, माँ कसम से बोल रहा हूँ, पूरा कचरा घुस गया है। गाइस हैव अ लुक, दिस इज थाली एंड बहुत सारा सब्जी। देखिए पूरा खाना खा लिया क्योंकि बहुत भूख लग रहा था, तो खाना भी हो गया, अभी निकलेंगे। सो गाइस देख सकते हैं ये मेरा बाइक एंड अभी हम लोग पहुंच गए पानेरी पे। ये रहा हमने एंड हम लोग तामुलपुर होते हुए आए थे, एंड लगभग राइडिंग किया हुआ आई थिंक सो आधा घंटा हो चुका है एंड अभी हम लोग को उदालगुड़ी होते हुए अपना होम टाउन ढेगेजिली पहुँचना है, जो कि लगभग 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। गाइस हालत ख़राब हो चुका है, गाइस देख सकते हैं, क्या ही बोलो। एंड पिंटू भाई वहाँ में फ़ोन में बात कर रहा है एंड पानेरी का लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। गाइस हैव अ लुक, ये रहा पानेरी एंड ये रहा मेरा शेयर बाइक